की जूती शेरवानी कहाँ है? ये देखो बच्चे कितना परेशान करते हैं, सुबह दक्षु को तैयार किया भैया ने, अभी काव्य बाप रे कितने काम करवाती है ना कविता तुमसे। खून तो ठहरा ही तुम्हारे पास अभी जिस किसी को खून चाहिए हो मेरी सास से कांटेक्ट करना। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग, मैं पूजा आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ अपनी एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों सुबह के 6:30 बजे से, और अभी ना हम लोग उठ गए हैं, आधा काम हमारा हो गया है और आधा काम अभी तो करते रहेंगे, बाकी अब बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करते हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह 6:30 बज रहे हैं अभी, तो बच्चों को तैयार करते हैं स्कूल भेजते हैं, फिर अपने काम तो होते ही रहेंगे। बाकी सूरज देवता भी दोस्तों वो पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं, तो अभी उनको भी निकलने में टाइम लगेगा। और सुबह सुबह का मौसम ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ना इस टाइम पे धूप लगती है ना ही गर्म होता है। अभी हम लोग भी अंदर आ गए हैं, तो अब बच्चों को तैयार करते हैं। तो मेरी बिटिया रानी ना सोई है अभी मस्त करके, ये क्योंकि आज से ना इसका टाइम भी चेंज हो गया है ना इसीलिए, और मेरा बेटा उठ गया है जल्दी क्योंकि उसका जल्दी स्कूल है, और आजकल टाइम पे भी उठ जा रहे हैं, हम लोग टाइम पे उठ जा रहे हैं तो वो लोग भी टाइम पे उठ जा रहे हैं। तो मेरा बेटा ना आज कह रहा है कि मम्मी मैं काव्य को ना अलग तरीके से उठाता हूँ। काव्य देख तो कौन आए हैं, काव्य देखो तो बेटा एक बार, काव्य देख तो कौन आया है बेटा, काव्य एक ही बार देख फिर सो जाना, ये देख तो कौन है, ये पापा नहीं है, यही तो पापा तो नहीं है, पापा तो इधर मेरे साथ है, यहाँ देख तो सोए, उठ कौन ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, कोई उसके सामने भूत बन के आ जाए, कोई कुछ बन के आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नींद प्यारी है बस और कुछ नहीं। दोस्तों काव्य को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैंने सोचा मैं भी पहन लेती हूँ, और बाल काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गए कि इसमें लटुरी तक बच गई है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कटिंग वगैरह करा लूं। क्यों देवांश? गाइस आप देखना ठीक है, गाइस इनको इग्नोर करना, ये देखो सुबह के 8 बज गए हैं दोस्तों, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और सिर्फ काव्य बची है, तो उसको भी फटाफट से भी छोड़ के आएंगे। अभी मैं आई थी खेत में क्योंकि यहाँ पे ना मम्मी ने घास काट रखा था, मम्मी को ना आज सुबह सुबह सैरा जिम नहीं जाना था, तो मम्मी ने सोचा घास ही काट लेते हैं, एक काम ही हो जाएगा, और सुबह सुबह ना एक गड्ढा यहाँ पे और एक गड्ढा यहाँ पे बना दिया है, तो मम्मी ने सुबह सुबह इतना घास काटा है और मम्मी सोच रही एक काम निपट जाएगा फिर उसके बाद दिन भर में थोड़ा आराम रहेगा। बाकी मम्मी ना बहुत काम करती है यार दोस्तों, सास हमारी बहुत काम करती है इस उम्र में भी, मतलब बहुत काम करती है, घास वगैरह काटना, घर का सारा काम, मतलब आधे से ज्यादा काम तो मम्मी करती है, तो अच्छा लगता है थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हाथ भी काट दिया, यो छेद है कि मैं कलर छेद है, ये खुमा बुड़ा ना, ये तो छोड़ ये खड़ी हो रहा है, ये खुमा बुड़ा ऐसे घप कर गए, कितना खून आया क्या बताऊं, घास काटा मैंने, खून तो ठहरा ही तुम्हारे पास अभी सही है, ले लो जिस किसी को खून चाहिए हो मेरी सास से कांटेक्ट करना। वही वैसे ही हो गए थे कल, वो क्या हो रहा है भाई, मेरे से तो कितनी छोटी है 8 साल, मैंने अब बीमारी जो लोगी क्या छोटा क्या बड़ा, ससुर जी ना हमारे बिल्कुल एक मोबाइल चाहिए एक टीवी चाहिए बस उसी में बैठे रहते हैं लेकिन जिस जिसको खून चाहिए ना मेरी सास से कांटेक्ट करना, क्योंकि खून तो बहुत है यहाँ, तभी तो काम भी करते हैं, खून है एक यहाँ है एक यहाँ है। तो अब हम लोग ना घास लेके जाते हैं, फिर काव्य को भी स्कूल भेजना है, आज का टाइम थोड़ा चेंज हो गया है ना इसलिए अभी हम लोग निझरक हो रहे हैं। हमारी बन गया तूने, गीला बहुत ही आदमी आ गए, छोड़ो ज्यादा हो गया, मैं पहले कहा मत कर, तो दो गट्ठे बना ले कर, लो मैं ले आऊंगा, छोड़ो छोड़ो, अरे बहुत भारी हो रहा है, हल्का हो रहा था बहुत ही। हम लोगों ने एक हफ्ते पहले लहसुन लगाया था, लेकिन लहसुन ना अभी उगा नहीं था, तो हम लोग को ना टेंशन हो गई थी कि इतनी मेहनत करी है लेकिन लहसुन नहीं हुआ है, किसी ने हम लोग को बताया था कि इसमें थोड़ा पानी झोल दो और उससे ना लहसुन जल्दी उग जाएगा, लेकिन उनका दिमाग यूज करा और लहसुन का हाल ऐसा हो गया दोस्तों। तो हम लोग एक हफ्ते से इंतजार करते कब लहसुन होगा, कब अच्छे से खिलेगा ऊपर को करके, लेकिन फाइनली ना वो भी हो गया है, तो अब जाके ना हमारा लहसुन निकल रहा है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने गलती से ना पानी से झोल दिया किसी के कहने पर, तो उसका असर ना हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ना हमारी काव्य भी अभी
तैयार हो गई है और ये सुबह ही आजकल उठ जा रही है और उठने के बाद बोल रही है मुझे कपड़े पहनाओ और मुझे तुरंत स्कूल भेजो। अब स्कूल इसका 9 बजे का और ये तैयार हो गई है 7 बजे। अब ये बिल्कुल स्कूल जाने में नहीं रो रही है ना काबू, अच्छा लगता है स्कूल में। तो अब यहाँ पे ना एक बार काव्या से पूछते हैं ना उसके कौन कौन से फ्रेंड है, कौन कौन से फ्रेंड है बाबू? हाँ 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 हाँ। स्कूल जाना अच्छा लगता है आपको? हाँ। क्यों, क्या होता है स्कूल में? पढ़ाई करते, पढ़ाई करते हो, अच्छा। तो दोस्तों इन लोगों का बाहर का काम भी हो गया है और मेरा भी अंदर का सारा काम निपट गया है। मैंने रोटी भी बना ली है, सब्जी तो सुबह बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही बन जाती है हमारी। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। क्या खा रहे हो? सब्जी, रोटी, दूध। तो दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे सब लोग नाश्ता करने लग गए हैं और सब लोग अपने अपने काम पे जाने लग गए हैं। तो देखते हैं हम लोग भी क्या करते हैं, सोच रखा है कि आज माला का काम करेंगे, तो देखते हैं दिन भर क्या होता है हमारे साथ आज। तो यहाँ पे ना भैया देखो काबू को कैसे तैयार कर रहे हैं, ये देखो बच्चे कितना परेशान करते हैं। सुबह दक्षु को तैयार किया भैया ने, अभी काव्य है, बाप रे कितने काम करवाती है ना कविता तुमसे। कौन सी चुटिया बनानी है, मैन चुटिया? तो हमारे ना काबू की रोज डिमांड रहती है कि मेरी दोस्त मैन चुटिया बना के लाती है और हम लोगों को ना दोस्तों मैन चुटिया कुछ नहीं आता, हम लोगों को आता है थोड़ा बहुत, पर ये है कि ना मेन चुटिया क्या होती है हमें खुद ही नहीं पता। अब एक दिन देख के आना पड़ता है काव्य की दोस्त की मेन चुटिया, ठीक है? ठीक है, मैं बना दूंगी फिर उसके बाद। ये बेचारे के लिए बड़ी परेशानी है, इसका 8:45 में स्कूल है और सुबह 6:30 बजे से तैयार है। कितने बजे से तैयार है तू? ये बेचारी को ना ड्रेस सुबह 6:30 बजे से बना रखी है और अब जाएगी 8:45 में स्कूल को ना जाएगी। सो जा तू एक चक्कर। तो दोस्तों नहाना धोना भी हो गया है, अब बिटिया रानी को भी स्कूल छोड़ाते हैं। पहले इसका स्कूल 8:30 बजे का था तो हम तब भी लेट पहुंचते थे, अब इसका स्कूल 9:45 बजे का हो गया तब भी हम लोग लेट ही पहुंच रहे हैं। यार दोस्तों ये तो शर्म की बात हो गई हमारे लिए। अब आदू की मैम वहां जाके डांटेगी हमको, क्योंकि कल ही वो मैडम बोल रही थी आराध्या तो वैसे भी लेट ही आती है। बड़ी शर्मिंदगी हो जाती है यार दगड़ियों कभी कभी। तो चल बेटा बैठ। तो इनको इसको ना फटाफट से छोड़ के आते हैं और मायके से 2 पूले घास भी लाना है, वो भी ले आएंगे, क्योंकि फिर कहाँ जाऊँगी यार दोस्तों बार बार ना। आप लोग भी कहोगे रो रो मायके चली जाती है करके, नज़दीक मायके होने का यही फायदा होता है ना इसीलिए। हम लोग मम्मी लोग के यहाँ से घास लेके और काव्य को स्कूल छोड़ के घर भी पहुंच गए हैं। घर आके ना यहाँ पे मेरे जेठ जी और मेरी जेठानी जी लगे हैं माला लगाने में और ऊपर छत से एडवाइस दिया जा रहा है। पहले तो इन्होंने मंगाया है टेप, तो मैं ज्यादा देरी नहीं करती हूँ, कमरे से पहले टेप लेके आती हूँ। तो चलते हैं रूम पे। टेप तो है लेकिन इसमें टेप भी कम है, अब फिर डांट खाते हैं। गाना तो सुनो इनका गाना, गाना ये रातें ये मौसम दो दिलों ने के मिलकर कभी हो ये रातें ये मौसम। गाने तो देखो इनके गाने। फिर मुंह चला रही है ना? क्या मुंह क्या चला रही हो रे? है? काम कर ले। कल सासू माँ के साथ लड़ाई करी, आज मेरे साथ लड़ाई करने का मन कर रहा है क्या? कहाँ करी मैंने मम्मी के साथ लड़ाई? क्यों बहस नहीं करी तुमने मम्मी के साथ? क्यों बहस होती हो? क्या होती भैंस होती क्या होती? तो दोस्तों नीचे वाली छत में तो हम लोगों ने ना मालाएं पूरी लगा दी हैं, कम बाकी जो होगा वो बाद में देख लेंगे। अब ऊपर वाली छत में चलते हैं, वहां पे लगा लेते हैं। बाकी यहाँ पे तो ना सब की सब लगा दी है हम लोगों ने, एक ब्लू एक व्हाइट, एक ब्लू एक व्हाइट, इस तरीके की माला हम लोगों ने लगा रखी है। अब चलते हैं ऊपर वाली छत में और वहां पे भी लगा देते हैं। माला वगैरह भी लग चुकी है दोस्तों और हम लोगों ने ना पूरे घर में माला लगा दी है। माला लगाते लगाते ना दिन के 12 बज गए हैं, तो सभी लोगों के लिए चाय बनाई हुई है, चाय पीते हैं। बाकी सासू माँ गई थी एक चक्कर लोकल मार्केट तक यानी कि ऊंचा पुल तक और वहां से ना हाजरी के फूल लेके आए हैं, साथ में गमले भी लेके आ रखे हैं और साथ में पेंट भी लेके आए हैं। बाकी हाजरी के फूल ना दोस्तों बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, सबसे ज्यादा मेरे मन यही वाला फूल आया हुआ है और ये भी ऐसी है, बाकी और तो अलग टाइप के हैं। और हाजरी के फूल ही ना दिवाली के टाइम पे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब हम लोग चाय पीते हैं, फिर गाय बिच्छू का काम करते हैं, फिर दिन का लंच भी तैयार करते हैं, उसके बाद लग जाते हैं काम पे।
और मैं मम्मी लोग के यहाँ से घास लाई थी ना, तो मुझे इसको ना पीछे रखने की भी उज्जी नहीं आई दोस्तों, थकान जैसी लग गई ना इसलिए। बाकी मालाएं तो पूरे घर में लगा दी है, अब रात को जलने के बाद ही पता चलेंगी, क्योंकि होता है ना कुछ मालाएं ऐसी होती जो नहीं जलती, कुछ मालाएं तो जलती हैं, तो अब रात को ही पता चलेगा। वैसे तो हमने सब चेक कर रखी थी, लेकिन बाई चांस क्या पता, तो अब रात को ही देखते हैं। बाकी अब पीते गर्मा गर्म चाय, थकान मिटाते हैं, फिर लग जाते हैं काम पे। मेरा देवर की शादी की जूती शेरवानी कहाँ है? कैसे हो रहे देखो तो, चप्पल लाना दिवाली में गिफ्ट जात जात। अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं, गाय बच्चों को भी कुट्टी वगैरह डाल दी है, तो अभी हम सब के चार ना फिर से जाने लग गए हैं एक चक्कर ऊंचा पुल तक। अभी तो मम्मी लोग गए थे, अब हमारी बारी है, थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेके आना है तो वही लेके आते हैं। और मेरी जेठानी जी बोल रही पैसे नहीं है, लेकिन ये तो है, ये इसमें कुछ है ही नहीं, गूगल ये वाला तुम रख लो, मेरा अपना वाला मुझे दे दो। और आज जूते तो देखो इनके, नाली में बह के आए थे। आज मेरी जिठानी जी ना मुझे मॉल लेके आए हैं, और मॉल में करने वाले हम लोग शॉपिंग, तो देखते हैं आज क्या दिला रहे हो। दाव दाव घर में दाव खत्म हो गई ना, तो इसलिए हम मॉल में दाव लिए अभी आज। बाकी मैं अपने काबू को लेके भी आ चुकी हूँ, और काबू को चाहिए अब उसकी फेवरेट चीज, तो इसको ना चीज वगैरह भी दिलाते हैं, साथ में हफ्ते दाल वगैरह भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने सारा सामान भी ले लिया है, और ना मालिक साहब लोग आगे चल रहे हैं, और मेरे को पकड़ा रहे हैं सामान, बिल पे कर दिया, बाकी क्या करना है मुझे। ये देखो मालिक साहब लोग जा रहे हैं आगे, ना आधा भी नहीं दोगी? नहीं तो मेरे को सामान उठा रहे, तो जो सामान उठाते हैं उसको पैसे तोड़ने दिए जाते हैं। मजे आ गए मेरे आज। अब मालिक साहब का दर्जा दे रखा है, तो अपने जो घर में जो हमारी वो है ना कर्मचारी, उनसे काम भी करवा लेते हैं, तो घास का गट्ठा भी पीछे रखवा लेते हैं इनसे। अभी हम लोग भी आ गए हैं घर, तो हम लोग दाल वगैरह लेने के लिए गए थे, लेके आ चुके हैं, अब चलते हैं अंदर को खाना पीना खाते हैं। बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, और अब हम लोग भी लंच कर लेते हैं। बाकी लंच में बनाया है आज चने के डुबके और भात। अभी रात के 10 बज गए हैं दोस्तों, और हम लोग भी रूम पे आ गए हैं। बाकी आज पूरा दिन ना घर की साफ सफाई में और माला लगाने में, गमले सजाने में ऐसी निकल गया, तो जिस चीज़ के लिए ना हम लोग सुबह से आज लगे हुए थे वो काम भी फाइनल हो गया, मतलब मेहनत रंग लाई। मालाएं भी हम लोग ने लगा दी है, जल भी जला भी दी है, जल लगा के ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रही है। तो शाम को ना काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई थी, इसलिए वीडियो को भी कंटिन्यू नहीं कर पाई। बाकी अब दोस्तों रेस्ट करते हैं, और मेरे पति देव तो कब का सो गए यार दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग भी रेस्ट करते हैं, और आपको मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने ख्याल रखें, बाय बाय।